तो गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अडोब फोटोशॉप 2024 को यूज़ कर रहा हूँ। आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यही वो फाइल है जिसे आपको डाउनलोड करना है। तो ये Adobe Photoshop 2024 की फाइल है, इसे आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसे मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हैं ये फोल्डर आ चुका है, फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको ये फोल्डर को ओपन कर लेना है। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी फाइल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसे आपको राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन को यस कर देना है। परमिशन को यस करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप इंस्टॉल करने का सेटअप आ चुका है। तो आपको यहाँ पे नीचे लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्लोज का और लॉन्च का बटन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। अभी मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो अभी मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे Adobe Photoshop 2024 आ चुका है। तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटोशॉप यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे सामने कुछ ये एरर आ चुका है। तो जो सा मेरा ग्राफिक कार्ड है उसका मैंने ड्राइवर यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, इसलिए ये एरर आ रहा है यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कट कर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप 2024 इंस्टॉल हो चुका है। बाकी आपको एक बात बता देता हूँ, इसके अंदर जो सा जनरेटिव AI वाला फीचर है वो अभी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये क्रैक वाला वर्जन है। तो आपको यहाँ पे मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ इसे ओपन करके। तो अभी मैंने ये जगह सेलेक्ट की है और यहाँ पे मैं जनरेटिव फिल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टी शर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टी शर्ट लिखा और यहाँ पे मैं जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे मैं एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जनरेट यहाँ पे होने लग जाएगा, पर इसके बाद एक एरर आ जाता है आप देख सकते हैं। तो अभी आपने जैसे कि ये एरर देखा, ये एरर आने लग जाता है जब भी आप ये टूल को यूज करते हैं। बाकी आप यहाँ पे फोटोशॉप 2024 को फ्रीली यूज कर सकते हैं। बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर फिल्मोरा 13 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही औसम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।